आलोक जी देखिए, आंकड़े कुछ ऋषि ने भी गिनवाए, आंकड़े शहजाद पूनावाला भी गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं महंगाई है, लेकिन ये महंगाई की दर 7% है। वो महंगाई से इनकार नहीं करते हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भाग रही है, ये वित्त मंत्री ने बयान दिया। आपका टेक? तभी तो उन्होंने जीएसटी लगा दिया दूध पे, छाछ पे, सब चीजों पे। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो लगाया उन्होंने, तभी तो आज तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाए। तभी तो वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पिछले हफ्ते का है 8.1% है। ऋषि भाई को पता नहीं कहां से पता चला हो, टीवी का कैमरा लेके एक बार मंडी चलते हैं कल सुबह, साथ लेके चलते हैं मीनाक्षी जी को भी, 30 रुपए में कौन कौन। नहीं सर, मैं तो खुद सब्जियां खरीद रही हूँ ना, इसलिए मैंने तो शुरुआत में आलोक जी ये बोला कि टमाटर हमें भी ये भावना ना फैले कि मर्द नहीं खरीदते, मर्द जो रहते हैं। अरे आलोक जी के घर भी खाना बन रहा है, आपके घर भी खाना बन रहा है, हम सब खाने पर ही बनाता हूँ, तो मैं खुद जाकर खरीदता हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि महंगाई तो है, लेकिन आलोक जी ने अभी आलोक जी से चर्चा चल रही है। आलोक जी लेकिन एक बात बताइएगा कि सरकार ये मत रख रही है कि यूक्रेन युद्ध का समय था, कोरोना काल का समय था, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई उसकी वजह से भी बहुत सारी, अगर हम ये कहें कि महंगाई बढ़ने के पीछे कारण युद्ध भी है, डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, तो उससे आपके सप्लाई साइड भी है, तो इस पर आपकी राय क्या है? बताता हूँ। देखिए, मोदी जी ने पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मजाक, देश प्रधानमंत्री की वजह से महंगाई का कारण बताते थे। मीनाक्षी जी, आप मोदी साहब की का नरादर नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं की बात। आज मैं सुबह नसीरपुर सब्जी मंडी गया था, जो द्वारका के पास सब्जी मंडी, होलसेल की सब्जी मंडी, जी हाँ, 80 के बाहर हैं। केवल बैंगन और घिया 40 रुपए थी, आज ही सुबह लेकर आया था, कहेंगे तो घर पे भी। लेकिन जब इस तरह के आंकड़े झूठे परोसे जाते हैं तो देश का विश्वास उठता है के ऊपर से, टीवी चैनल्स के ऊपर से। अरे गरीब के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है भाई, उसके ऊपर तो कम से कम सरकार को मत बचाने का काम कीजिए। हमारे समय में $138 का बैरल हो गया था, और मोदी साहब के समय पे $23 तक पहुंच गया था, लेकिन प्राइस कभी कम नहीं हुए था पेट्रोल, वो आज 100 रुपए के करीब पहुंचा हुआ है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि साहब महंगाई तो है ही नहीं। जीएसटी कलेक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। अभी शहजाद स्कीम्स लगा दी हमने, क्या लगा दिया, SC ST का वजीफा अकेला 67% घट गया है। देश के ऊपर कर्जा 3 गुना बढ़ गया, याद होगा ना, ये तो आंकड़े पता होंगे, 43 का 139 लाख। ये सरकार क्या कर रही है? फिजिकल डेफिसिट आज हाईएस्ट है, जवाब दे दारी है। और जिस CMI के आंकड़े 1.3 करोड़ के मैंने दिए जून के, ये मेरे घर में नहीं बनाए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब सुनिए, आप आलोक जी के सवालों का जवाब दीजिएगा शहजाद, और साथ ही साथ सुनिए आलोक जी, मैं बहुत माफी चाहती हूँ कि बड़ी परेशानी हो रही है, या मीनाक्षी जी ऑडियो की परेशानी आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बात क्यों पूरी तरीके से ठीक से नहीं आ रही है। ने क्या कहा है महंगाई के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, और तमाम जो सांसद कह रहे हैं वो भी समझ गए होंगे। वरुण गांधी ने आज पार्लियामेंट में जो खड़े होकर कहा है, वो भी ऋषि जी ने सुन लिया होगा, शहजाद भाई ने तो सुन ही लिया होगा कि कितने सिलेंडर भरे गए, 7.5 करोड़ सिलेंडर दोबारा नहीं भरे गए। देश की कमर तोड़ दी महंगाई ने, और उसके बाद भी कह रहे हैं साहब पंडित नेहरू जी के टाइम पे बहुत महंगाई ज्यादा थी। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ के, मोदी जी बहुत बहुत थैंक यू, आप नहीं होते तो गरीब मर जाते। देखिए देखिए शहजाद जी, राजन में महंगाई ज्यादा थी, उनकी सरकार चली गई, अब आपकी आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस महंगाई को कम करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस बात से खौफजदा है कि महंगाई बढ़ने की आशंका अभी भी नजर आ रही है, खुदरा महंगाई दर और बढ़ सकती है। ठीक, मीनाक्षी जी मुझे एक मिनट दे दीजिए अनइंटरप्टेड, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स आपको रिकॉर्ड पे लाने हैं। पहले तो अभी पैनल में शायद आपने आलोक जी ने कहा टमाटर 60 रुपए किलो, मैंने अभी खोल दिया है वेबसाइट, ये टमाटर का 500 ग्राम 16 रुपए, मतलब 1 किलो 32 रुपए। मैं आप देख रहे हो, आप दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए मीनाक्षी जी, थोड़ा सा मुझे भी तो मौका दीजिए, मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ, अगर मैं झूठा निकलता हूँ तो मुझे ऑन एयर एक्सपोज कर दिया जाएगा, पर एक एक करके बात रखते, इकोनॉमिक्स की चर्चा है, ऐसे तू तू मैं नहीं हो सकता।
अच्छा ठीक है, टमाटर का दाम आपने बताया 500 ग्राम कितने का। मैं अपना अभी ट्वीट कर दूंगा, शो के दौरान ही ट्वीट कर दूंगा, मुझे पहले अपनी बात पूरी कर देने दीजिए, उसके बाद आप करें। मैं कहां भाग रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप अगर इधर कोई कंपनी से मंगवाती है तो अगर मेरा तो सब्जी वाला मुनाफा है, सब्जी वाला तो मुझे 2 रुपए कम में बेचता है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये आपके सामने खोला है, ये आज की डेट का 500 ग्राम 16 रुपए, और वो भी अगर आप ज्यादा मंगवाओगी मुनाफा से मंगवाओगी तो आपको 2 रुपए डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बहरहाल मैं आपको और एक आंकड़ा सुना, तो सुन लीजिए, पटेटो जो था 2004 में 14 रुपए का था, इन्होंने जब सरकार छोड़ी 18 रुपए का, आज 19 रुपए का है। ये अनियन की बात करो, अनियन कितने का है मैडम बोल देंगे आपको, वैसे ही रॉ खाते हैं, आज 23 रुपए का किलो है, इन्होंने जब सरकार ली थी 10 रुपए का था, इन्होंने जब सरकार छोड़ी 18 रुपए का था, आज 18 से 23 रुपया हुआ है, हम मानते हैं। मैं आपको एक एक सब्जी आपको जो लेना है मैं बताता हूं। अब इन्होंने जीएसटी की बात की, जीएसटी की जब बात की तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जीएसटी काउंसिल में आपको पता है केंद्र की सरकार मोदी जी अमित शाह जी ये बोलते नहीं है कि ये करना है, फरमान जारी कर दिया और फिर जीएसटी होता है, काउंसिल निर्णय लेती है, उसमें राजस्थान और बंगाल दोनों है। मैं चाहता हूं कि अगले एक मिनट तक राजस्थान की सरकार के प्रतिनिधि और बंगाल के, इन्होंने कोई रिटन डिसेंट नोट दिया है क्या कि जीएसटी काउंसिल में जो ये जीएसटी लागू किया गया उसके खिलाफ रिटन डिसेंट नोट। ये पिछली बार भी मेरी डिस्कशन हुई थी आलोक जी के साथ, उन्होंने कहा था हमने विरोध किया है, हम नहीं मानते इसको, हमारे को हमारी बातों को झूठ बताया गया है। आज मुझे ये रिटन डिसेंट नोट राजस्थान की सरकार का बता दे कि उन्होंने विरोध किया। विरोध करना तो दूर, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई ये हम लोगों को रेवेन्यू पाने के जरिए है, ये रेवेन्यू हमको चाहिए इन चीजों से, और जो आपको बता रहे हैं ये नहीं बता रहे, मैं आपको बता रहा हूं कि किस चीजों पर कम किया गया है जीएसटी, वो नहीं बताएंगे। ये इनकी 2012 की रिपोर्ट है, ये आप पढ़िए क्या है, वैट इफ यू वांट टू बाय फूड ग्रेन्स, ये वैट लगा रहे थे अनाज पे, अनाज पे जो वैट लगा रहे थे, न्यूज रिपोर्ट है। आज हम लोगों ने दूध पाउडर, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, स्पाइसेस, टी, वीट, राइस फ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, चप्पल, जूते, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, सोप, शैम्पू, इन सब पर कम किया है। जो वेटेड जीएसटी एवरेज हुआ करता था 14% का, एवरेज वेटेड जीएसटी वो आज 11% हुआ। आखिरी शैम्पू और साबुन की बात नहीं, सस्ता शैम्पू पहले खाने को, अच्छा भाई मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ, हमने जब एक्साइज काटा पेट्रोल का, उसी समय पर जो हमारी इंपोर्ट की ड्यूटी लगती है, चाहे वो सोया ऑयल पर हो, पाम ऑयल पर हो, स्टील पर हो, ये केंद्र की सरकार ने 20-30 हजार करोड़ रुपए अपनी देकर उसको कम करवाया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, मैं तो यूपीए गवर्नमेंट पे जा ही नहीं रही, मैं तो 2019 यूपीए सरकार की बात ही नहीं कर रहा, ना मैंने नेहरू जी का नाम लिया, मेरी बात अरहर दाल आपने कहा यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 180 रुपए किलो थी, मैं कहती हूँ आपने उसे कम करके 90 रुपए किलो पर लाए, अब बढ़ाकर आप 110 रुपए किलो यदि कर देते हैं। जो नमक आपकी सरकार के कार्यकाल में 18 रुपए पे था वो आज 24 रुपए पर हो गया है। सोयाबीन तेल की आप बात कर रहे हैं, वो 92 रुपए पर था, वो 162 रुपए किलो पर आ गया है। अब आप मुझे स्पेसिफिक जवाब देने, सरकार के आंकड़े बता रही हूँ, ठीक है आपको मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ। हमारे देश में जो कंजम्पशन होता है एडिबल ऑयल्स का और दालों का, ये हम लोगों की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन उतना ही है। अगर आप देखें पिछले 8 वर्ष में हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए हमारे किसानों को कई सारे चीजें दी हैं ताकि वो इनका प्रोडक्शन बढ़ाए, केवल एक या दो क्रॉप्स पर फोकस ना करें, इसीलिए ये दाम कंटिन्यूसली नीचे भी आ रहे हैं। इनके जमाने में 180 रुपए किलो की दाल थी, आज वो वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, और कुछ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि एक तो युद्ध चल रहा है, दूसरा कोरोना हुआ है, इसको कौन नकार रहा है, परंतु मेरा एक ही सवाल है मैडम, एक सवाल प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, दो चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट्स भी कोऑपरेट करें, या तो वैट घटाए ताकि वहां की उनकी जनता को थोड़ी सी राहत मिले, या तो एम्प्लॉयमेंट करे। ये बंगाल की सरकार एम्प्लॉयमेंट के नाम पर एजुकेशन में धोखा दे रही थी, 50 करोड़ रुपए हमें मिले हैं एक मंत्री के सहयोगी के घर पर, ये एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे, राजस्थान में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे। दूसरी बात, जो वैट है बंगाल में कितना पेट्रोल पर वैट काटा और राजस्थान में कितना काटा जरा बता देना, और डिसेंट नोट जीएसटी काउंसिल में कहां है रिटेल में वो बता दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।